अरे तू ही बाड़ू घर के मलकीनिया, हमर सार के बहिनियान हो, तोहर नामे कदेव जमशेदपुर के जमीनिया, न बन तू न गिनियान हो। लोग बॉलीवुड में देख लेते हैं कि ओवर रोमांस होता है तो हम लोग वहाँ देख सकते हैं, लेकिन भोजपुर में जैसे ही थोड़ा बहुत कुछ होता है तो लोग उंगली उठा देते हैं। मैं ये सब पे बोलते बोलते थक गया हूँ, बचपने से बोलते आ रहा हूँ कि अश्लीलता है, अश्लीलता हो, अश्लीलता है। बस ये कहूँ कि आप लोग अच्छा चीज़ के पसंद करें, अच्छा चीज़ के आगे बढ़ाएं, तो हर कलाकार अच्छा अच्छा काम करें हैं। बोला जाता है कि अगर मीडिया चाह दे तो जीरो से हीरो बनाते हैं। आज आप ही लोग का दिन है कि लोग ऐसा बोलते हैं, हम लोग भी देखे कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया, तो कहीं ना कहीं ये मीडिया का ही देन है। नमस्कार, सोशल संवाद में सभी का स्वागत है। मैं मनजीत, इस वक्त हमारे साथ भोजपुरी के सुपरस्टार जो कलाकार हैं कल्लू जी, इनसे कुछ खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले बातचीत के लिए सोशल संवाद में स्वागत है। सोशल संवाद के माध्यम से जितने लोग हमें देख रहे हैं सभी को सादर प्रणाम, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे जमशेदपुर म्यूजिक फैक्ट्री में के लॉन्चिंग बोल सकते हैं या सॉन्ग लॉन्चिंग आप यहाँ पे आए, इसके लिए दिल से थैंक यू। आज जो गाने की जो आपने शुरुआत की है, जो लॉन्चिंग कर रही है, उसमें क्या कुछ खास है? देखिए, भोजपुरी के ऊपर हमेशा ये लगा जा रहा है कि हमेशा ये है, ऐसा है, वैसा है। हम बोल सकते हैं कि प्यार भरा ये गाना है, एक पति पत्नी का सिंगारिक सॉन्ग बोल सकते हैं, रोमांस बोल सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा हम लोग बॉलीवुड में देख लेते हैं कि ओवर रोमांस होता है तो हम लोग वहाँ देख सकते हैं, लेकिन भोजपुर में जैसे ही थोड़ा बहुत कुछ होता है तो लोग उंगली उठा देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। आप इसे देख सकते हैं, आप इसे, मैं नहीं बोल सकता हूँ कि मतलब कोई उंगली ऐसा उठा सकता है, अगर एज ओ मतलब मैं एज ए कलाकार बोल सकता हूँ। नहीं तो 10 लोग अच्छा बोलते हैं, 10 लोग खराब भी बोलते हैं, तो खराब भी बोलते हैं तो हम लोग को एक सीख मिलती है कि नहीं यार, हो सकता है मैं गलत किया हूँ या सही किया हूँ। तो जमशेदपुर म्यूजिक जो GMF भोजपुरी है, यूट्यूब पे आप सबके बीच है, आप लोग सर्च कीजिए। और ये एक ही गाना नहीं, हमको लगता है कि अब ये जर्नी शुरुआत हुई है और अब आप लोगों को इंटरटेनमेंट के लिए जमशेदपुर म्यूजिक फैक्ट्री एक से बढ़ के एक सॉन्ग, एक से बढ़ के एक इन फ्यूचर फिल्में भी आप सबके बीच लाएंगे। बस आप लोग का सहयोग, आप लोग का साथ चाहिए, क्योंकि बोला जाता है कि अगर मीडिया चाह दे तो जीरो से हीरो बनाते हैं। आज आप ही लोग का दिन है कि लोग ऐसा बोलते हैं, हम लोग भी देखे कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया, तो कहीं ना कहीं ये मीडिया का ही देन है। और मीडिया जब साथ देती है, मीडिया जब सहयोग करती है, तो हम सभी कलाकारों का मनोबल, कलाकारों का हौसला बढ़ता है कि नहीं, हम लोग के साथ आप लोग हैं। एक छोटा सा सवाल है कि जब आपने इस दौर को शुरुआत किया था तो क्या, किस तरह से चैलेंजिंग था और किस तरह से? देखिए, कोई भी लाइन में अगर आदमी आता है तो अगर फैमिली से कोई रहता है, अगर इस कोई भी लाइन में, तो उसके लिए आसान होता है, लेकिन हमारे इस लाइन में कोई नहीं था। मेरे पिताजी शौकीन थे संगीत के, नाटक करते थे, जो गांव में हम लोग का नाटक होता है, लेकिन इस लाइन से कोई अता पता नहीं था। मेरे पिताजी ने बहुत मेहनत किया, बहुत ज़्यादा मेहनत किया, पूरा परिवार ने सपोर्ट किया, पूरे दर्शकों ने सपोर्ट किया। उस समय जब कोई भी अपने संगीत सिखाता था अपने बच्चे को, तो लोग नचनिया भजनिया बोलते थे द्वार साथ में, लेकिन आज के समय में लोग अपने बच्चे को ले जाकर डांस स्कूल, सिंगिंग स्कूल में सिखाते, लेकिन उस समय थोड़ा सा लोगों का सोच थोड़ा सा अलग था। तो उस समय बहुत कुछ हमारे पिताजी ने सुना, उनको नहीं मालूम था, हो सकता था मेरा फ्यूचर बर्बाद भी हो सकता था अगर मानी मैं सिंगिंग में थोड़ा बहुत सक्सेस नहीं होता। मैं अपने आप को थोड़ा बहुत ही मानता हूँ, क्योंकि आदमी को हर रोज़ मेहनत करना, हर रोज़ सीखना है। अगर सक्सेस ना होता तो होता कि पिताजी के ऊपर इल्ज़ाम लगता कि क्यों इस लाइन में लाए। तो उस समय उन्होंने बहुत मेहनत किया पढ़ाई के साथ साथ, मैं उस समय चौथे क्लास में पढ़ता था, पढ़ाई के साथ साथ इसमें मैंने अपनी रुचि दिखाई, और मेरे पिताजी ने साथ दिया कि नहीं बाबू, तुम सिंगिंग करो। आज वही है, उनका मेहनत है और दर्शकों का प्यार है कि आज आप सबके बीच में मैं दो शब्द बोल पा रहा हूँ, दो गाना गा पा रहा हूँ। जमशेदपुर से कितना लगाव है? जमशेदपुर, जब मैंने सिंगिंग की शुरुआत की थी, जब मेरा पहला एल्बम आया था गवनवा कहिया ले जीवन, तो उस समय लोग मुझे बक्सर ज़िले में ही लोग जानते थे। तो बक्सर के कुछ लोग, कुछ लोग नहीं, बहुत ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे, बक्सर के कुछ लोग यहाँ पे हैं, जो कि सूर्य मंदिर के पास एक पोखरा है, वहीं पर शो हुआ था। कृति उपाध्याय जी के साथ मैं आया था, नरियरवा बाबा एक थे हम लोग के, उन्होंने, उनकी पूरी टीम हमें बुलाई थी, और दो गाना मैं एक्चुअल गाया था। तो दो गाना उस समय गवनवा कहिया ले जीवा आया था, उसी समय मैंने वो गाना गाया था, दो गाना। और आज यहाँ से प्यार मिला, इधर भी 2 साल से 2.5 साल से, हमको लगता है ये 9वीं 10वीं बार मैं आ चुका हूँ।
भगवान करे ये जर्नी एकदम ऐसे ही बनी रहे, जमशेदपुर से नाता बना रहे और हमेशा आते रहूं और आप लोग से मिलते रहूं, आप लोग का प्यार पाते रहूं। एक छोटा सा सुपर हिट कोई गाना आपने जो दर्शकों को देख सके। अरे तू ही बाड़ू घर के मलकीनिया, हमर सार के बहिनियान हो, तोहर नामे कदेव जमशेदपुर के जमीनिया, न बन तू न गिनियान हो। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे जो सुपरस्टार कलाकार बिहार और झारखंड के मशहूर बक्सर ज़िले से बिलोंग करने वाले कल्लू जी यहाँ पे मौजूद थे। और ये कितने साल से आप ये मतलब सिंगिंग लाइन में? 9 साल का था तब से इस लाइन में हूँ और 2007 से जर्नी शुरुआत हुई थी तो 15-16 साल हो गए। और लोगों जो आपके साथ मतलब कि इस तरह से चैलेंजिंग में भी नए वर्ग जो लोग आना चाहते हैं उसमें बस यही कहेंगे मेहनत का फल मीठा होता है, हर रोज़ मेहनत करना है। और आज के समय में और कंपटीशन बढ़ गया है जब से ये सोशल मीडिया आ गया है, यूट्यूब फेसबुक इंस्टा जो भी है, तो दिन प्रतिदिन रोज़ रोज़ नए नए टैलेंट आ रहे हैं और समय के साथ अपने आप को हमेशा चेंज करते रहना है क्योंकि पब्लिक का टेस्ट कब कहाँ चला जाए कोई नहीं जानता है। पहले लोग पारिवारिक फिल्में पसंद करते थे, आजकल देखिए साउथ वाले ऐसी ऐसी फिल्में ला रहे हैं कि बॉलीवुड का टक्कर दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भोजपुरी इसमें कम कहाँ रहे। तो गानों से लेकर फिल्मों तक हम लोग सोचते हैं कि हमेशा मेहनत करते रहें और आप लोग भी मेहनत कीजिए और जो मेहनत किया है कहीं ना कहीं सक्सेस जरूर। अच्छा, एक छोटा सवाल है, अश्लील गानों के जो हिट होते हैं उसमें कुछ? मैं ये सब मैं इसके लिए बस यही बोलूँगा कि अगर आपको अच्छे गाने सुनने हैं तो आपके हाथ में मोबाइल है, आप सर्च कीजिए अच्छे गाने, भजन सुनना है तो भजन सुनिए, अगर आपको वहीं सब सुनना है तो आप सर्च कीजिए। कई लोग इस पे कुछ ऐसे बातें करते हैं, मैं ये सब पे बोलते बोलते थक गया हूँ, बचपन से बोलते आ रहा हूँ कि अश्लीलता है अश्लीलता हो अश्लीलता है। बस ये कहूँ कि आप लोग अच्छा चीज़ के पसंद करें, अच्छा चीज़ के आगे बढ़ाएं तो हर कलाकार अच्छा अच्छा काम करे हैं बस। धन्यवाद। तब तक के लिए देखते रहेगा सोशल संवाद में मजीद जमशेदपुर झारखंड।